पंजाब की यह ती बनी एयरफोर्स च फ्लाइंग अफसर। जीवनजोत कौर दे फ्लाइंग अफसर बनने ते परिवार कर रहा है माण महसूस। घर दे विच वधाई देण वालियां दा लग्या तांता। जिला गुरदासपुर दे पिंड हरचोवाल च उस वेले खुशियां दा माहौल बन गया जदों पिंड दी धी जीवनजोत कौर फ्लाइंग अफसर बन के अपने जद्दी पिंड पहुंची। परिवार दीआं खुशियां दे विच शरीक होण लई घर दे विच रिश्तेदार अते गुआंढी अफसर बनी इस धी अते उसदे परिवार नूं वधाई देण पहुंची। खास गल इह है कि इह परिवार तीन पीढ़ियां तों फौज राही देश दी सेवा करदा आ रिहा है अते जिथे उसके दादा पिता ते चाचा जेसीओ दे रैंक ते फौज तो सेवा मुक्त होए उत्थे ही परिवार दे चौथी पीढ़ी विचो जीवनजोत फौज विच बतौर अफसर शामिल होने वाली परिवार दी पहली धी है। जीवनजोत कौर दे अफसर बनन ते माता पिता ते भरा माण महसूस कर रहे ने। जीवनजोत कौर दे इस अफसर रैंक तक पहुंचने पिछे एक वड्डा संघर्ष रहा। इस बाबत मीडिया नाल गलबात करदे आं जीवनजोत कौर अते उसदे परिवार ने की कुछ दस्या, आओ सुनदे हां। बहुत अलग फील है, प्राउड फीलिंग है, मतलब सारे इत्थे प्रेजेंट है तुहाडे सामने, वो इन्ने ज्यादा खुश है। सो सोचा नहीं सी मतलब उस टाइम ते पहला के आई विल अचीव दिस, बट देन मेरा ब्रदर इत्थे बैठा उन्ने इंस्पायर किया सी एक्चुअली मैनू, एंड आई जॉइंड ते हौली हौली बस सारे दी सपोर्ट नाल वो बनता गया अपने आप। स्ट्रगल सी पहला, मैं जो अपनी SSB दिती है ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट सी, सो मैं दो बार पहला फेलियर देख चुकी हाँ, फिर देन फाइनली थर्ड अटैम्प्ट मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ सी, एंड देन वन एंड हाफ ईयर ऑफ ट्रेनिंग, एंड देन फाइनली यस्टरडे वॉज द डे जो मेरा मतलब मैं फाइनली पास आउट हुई हाँ। फाइनली एक होंगे कि ऑफिसर बन गए फील आती है जी, फाइनली मतलब आई दैट इज समथिंग के वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बिकॉज ड्रीम सी कि एक बार पापा मम्मा उत्थे देखन कि मैं यूनिफॉर्म दे विच पहली बारी, तो वह जो मतलब मैं उ शब्दों नहीं पा सकती उस चीज़ को, क्योंकि मैंने याद है कि मैं जो सा मार्च पास हों तो मैं पापा ने देखा तो मैं सिर्फ 2 सेकेंड देख पाई सी, तो मैं लगा कि नहीं मतलब वो इमोशनल मूवमेंट हो जाएगा जहाँ उस तरीके नाल, तो मैं थोड़ा इग्नोर जिहा कीता, स्माइल पास की एंड आई वेंट मार्चिंग ऑन। सो बहुत फील आती है उन्होंने भी मेहनत आ प्रॉपर उन्हों की, तो एक आर्मी पर्सनल की उन्हों की बेटी का एक ऑफिसर बनना बहुत वही गल हो जाती है अपने इलाके के जाना, तो इट वॉज अ बिग मूवमेंट फॉर मी। आई थिंक मैं प्रॉपर उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इस टाइम पर। जो मैं वो ज्वाइन की मैं उदो कभी नहीं सोचा कि मैं डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करूँगी एक टाइम पर, बिकॉज आई वॉज सैटिस्फाइड विद इट, बट दैन आई थॉट कि नहीं फैमिली मतलब अपने आप वो आंदा है, बिकॉज फैमिली लाइन है जो उदा दी है, मेरे दादा जी नाना जी पापा सब आर्मी च मतलब डिफेंस ऑफिसर्स सी, सो नहीं सी कभी सोचा नहीं सी, बट मैंने लगता है कि वो जीन्स च होंदा तुहाडे च कि तुहाडी फैमिली बैकग्राउंड आ रही है इनहेरिटेड होंदा है कि हाँ तुम जाओगे डिफेंस सर्विसेज च, क्योंकि मेरा ब्रदर प्रिपेयर कर रहा है, सो सारियां दा वो मतलब वो होंदा कि सरकमस्टांसिस इदां दे हो गए कि मैं नहीं मैं सोचा कि उस टाइम तो कोविड सी, सो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सही चल रहा है, तो मैं नाल भी तैयारी शुरू कर दी, एंड फाइनली आई गॉट इन। सो डेफिनेटली फैमिली का तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही कि फैमिली डिफेंस सर्विसेज है, दैट्स व्हाई आई आल्सो गॉट इनटू इट। सो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली गल है कि दैट माई सिस्टर इज एन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। सो स्टोरी की सी कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर NDA, फिर NDA का एग्जाम चल रहा है, तो बेसिकली ऑल थैंक्स टू लॉकडाउन, लॉकडाउन करके आप घर आए सारे जने, तो लॉकडाउन में मैं अपनी तैयारी करता हूँ सी डिफेंस फोर्सिस की, तो नाल दीदी IT जॉब कर रहे सी फ्रॉम होम, तो मेरे वाल देख के नाल दीदी का खुद का हल्का शौक हैगा सी पहलों, पर ज़्यादा शौक आप जो दोनों कट्ठे तैयारी शुरू करनी की उदों शौक लगा। सिलेबस NDA का FCAT का एयरफोर्स का लगभग सेम सी, सो आप इकट्ठे तैयारी करनी शुरू की थे, फिर आप जिदा इंग्लिश सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे एक दूसरे को सुनने शुरू किए, चल तेरी किन्नी तैयारी होगी मेरी किन्नी तैयारी होगी। सो उस चीज़ में आप दोनों ने SSB कट्ठिया दीतियाँ पहलों, दीदी के दो फेलियर से पहले SSB के, पहलों फर्स्ट स्टेज तो फिर लास्ट स्टेज में एक बार दीदी फेल हो, पर जी थर्ड अटैम्प्ट दिता वो रिटन फिर SSB जिन्होंने इंटरव्यू कहने SSB 5 दिन का प्रोसीजर है, वो जान तो पहले दिन आउट हो जाने जे जो लास्ट के 5वें दिन आउट होने जे, तो वो जो 5 डे प्रोसीजर है वो दीदा लास्ट बार होया देहरादून, तो देहरादून दीदी रेकमेंड हो, उस तो बाद मेडिकल आया दिल्ली, तो मेडिकल क्लीयर किया, तो फिर मेडिकल्स भी टैंपरेरी रिजेक्शन आ जाए जिदा किसी की वेट तो होगी किसी की किस चीज़ तो होगी,
फिर सारा कुछ क्लियर करके फिर मेरिटिन होए, तो मेरिटिन हो के अपना फिर अकेडमी ज्वाइन की थी। तो इस अकेडमी में साल की ट्रेनिंग जी सी फर्स्ट ईयर की, वो बहुत ही टफ होंगी है। मीनस के आ नकल्स होंगे ना, इन्हों चो खून कट देंगे एक बार नकल्स तो इन्ना अपनी कोनिया तो। दीदी का वेट से कुछ 57 kg, जो दीदी आए वो 52 kg दीदी का वेट। मीनस कि इन्ना ज़्यादा रगड़ा सवेर तो लैके शाम तक, कई बार रात रात दे कैंप 20-20 kilometers, जोश रनस, फिर नाइट एक्सरसाइजिज, कैंप्स, इन्ना करके मीनस बंदा जिन्ने कुछ भी ना किया हो, पहले रनिंग ना की हो कभी, वो इन्ना कुछ कर रहा। तो ये बहुत ही वड्डा ग्राफ नू इनक्लाइन दिंदी है कि इस तरीके ना कोई इन्ना इंप्रूव कर सकता डिफेंस फोर्सेस। ते उस तो बाद फिर 6 महीने की ट्रेनिंग गई बैंगलोर, वो जी पहले साल की ट्रेनिंग उस तो ज़्यादा टफ ट्रेनिंग सी। ते हाई भी दीदी नकल्स देखोगे ना, इतों वाइट होए पे है, इन्ना ज़्यादा खून कटते हैं। उत्तर आप कह दें कि ऑफिसर है कि ऑर्डर मार रहा है, इदा बन गया ऑफिसर, पर एक ऑफिसर बनने का प्रोसीजर जरा खुद ही 3 साल का प्रोसीजर है, 2.5 साल का प्रोसीजर है। एंड गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग करोड़ ऑन मेकिंग सिंगल ऑफिसर, सो ये काफ़ी प्राउड की गल है कि माई सिस्टर इन ऑफिसर इन इंडिया एयरफोर्स। बहुत माण हुंदा इस चीज़ का, जिस तरह परिवार को भी है, सारे ही है, बहुत करते हैं। मैं छोटे होंदे तो बहुत मेहनत की है, पढ़ती भी सी ना जो उदों भी यदा बहुत रहा, मतलब इस चीज़ के मैं कुछ करना जिंदगी दे करना है। फिर आई टी च गई, फिर इधर जानते जो ये गई है, इनू ये ब्रदर ने बड़ा किया कि तू नहीं कर, मैं इन कहना नहीं, मैं जीवन तू ना एक सॉफ्ट जी बच्ची हाँ कि 800 मीटर भी नहीं दौड़ सकती होंगी, इन्ना यदा। अज उत्थे हर एक मतलब पेट दे विच जां कोई भी फिजिकल ट्रेनिंग है उहदे विच एक्सलेंट आई है, तो मैनूं तो बहुत खुशी हुंदी है इस चीज़ की कि अब तक पहुंची है। चढ़दी कला टाइम टीवी लई गुरदासपुर तो रविंदर सिंह सैनी दी खास रिपोर्ट।